Combinar é que प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर कुछ चर्चा करेंगे। अगला गुण है परम ब्राह्मण, हे परम ब्राह्मण, तो ये संबोधन है। पर माने ऊंचा और ब्रह्म का अर्थ है महान, तो परम ब्रह्म का अर्थ हुआ सबसे महान। संसार में कुछ चीजें महान हैं, उनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, उन गुणों के कारण वे पदार्थ या वस्तुएं महान मानी जाती हैं। अच्छे अच्छे वेदों के विद्वान हैं, अच्छे अच्छे वैदिक राजा थे, आपको आजकल नहीं मिलते, पुराने समय में थे, और ऋषि मुनि थे, और कुछ जड़ पदार्थों में भी सूर्य पृथ्वी अग्नि जल आदि ये भी बहुत उत्तम गुणों से युक्त हैं, ये भी महान पदार्थ हैं। तो इन सब महान पदार्थों में ईश्वर सबसे अधिक महान है, उसके गुण सबसे अधिक हैं, सबसे विशेष गुण हैं, मात्रा में भी सबसे अधिक हैं और स्तर की दृष्टि से देखें तो स्तर यानी क्वालिटी उस हिसाब से भी सबसे अच्छे गुण हैं ईश्वर में। तो ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है आदि आदि बहुत सारे गुण हैं ईश्वर में, बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के गुण हैं। इसलिए ईश्वर सब महान पदार्थों में सबसे अधिक महान है, इस अभिप्राय को बताने के लिए ये शब्द है परम ब्राह्मण, सबसे बड़ा सबसे महान ईश्वर है। तो ये एक संबोधन में शब्द रखा। इसके बाद अगला शब्द है हे जगदानंदक, तो यहां दो शब्द हैं, इनको तोड़ के अलग कर लेंगे, जगत और आनंदक। तो सब जगत को आनंदित करने वाला, सब जगत को सुख देने वाला, उसका नाम है जगत आनंदक। तो ईश्वर जगत के जितने मनुष्य हैं और प्राणी भी हैं, तो जितने भी मनुष्य हैं और जितने प्राणी हैं, ईश्वर उन सब को आनंद देता है। हर एक प्राणी का आनंद अलग अलग स्तर का है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे मनुष्य बन जाओ, चाहे पशु बन जाओ, चाहे पक्षी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सब प्राणी अपनी अपनी योनि में खुश हैं, प्रसन्न हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, ऐसा उनका तर्क है, कोई भी मरना नहीं चाहता। जब कोई भी मरना नहीं चाहता तो इसका मतलब सब अपनी अपनी योनि में खुश हैं। जब खुश हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम मनुष्य बन जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, सारे बराबर सुखी हैं, ऐसा उनका विचार है। तो ये विचार ठीक नहीं है, ये विचार गलत है। सबके सब प्राणी बराबर मात्रा में सुखी नहीं है। इस बात को कैसे समझेंगे, एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं, उससे आप समझेंगे। एक व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता था, उसको 25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। तो दूसरी कंपनी से एक व्यक्ति आया
उसने कहा भाई आप ये कंपनी छोड़ो, मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको 30,000 रुपये मासिक दूंगा वेतन। तो वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा, हाँ या ना? है जी, हाँ बोलेगा, उसको लाभ दिख रहा है तो हाँ बोलेगा, 25 का 30 मिल रहा है, काम सब उतना है। फिर एक और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी उसको ऑफर किया, उसने भी कहा कि भाई आप मेरी कंपनी में आओ, इतने ही घंटे काम, इतना ही काम, मैं आपको इस काम के 20,000 रुपये दूंगा। 25 तो उसको पहले ही मिल रहे थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा मैं आपको 20,000 दूंगा। अब क्या बोलेगा, हाँ या ना? ना। तो इस उदाहरण से क्या पता चला, कब व्यक्ति हाँ बोलता है, कब व्यक्ति ना बोलता है? जब उसको लाभ दिखता है तो हाँ बोलेगा, और हानि दिखती है तो ना बोलेगा। ये नियम है हाँ या ना बोलने का। अब इस नियम से जो व्यक्ति ये कह रहा था कि पशु पक्षी मनुष्य सब प्राणी बराबर सुखी हैं, कुछ भी बन जाओ क्या फर्क पड़ता है, तो हम उसके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि अभी तो आप मनुष्य हैं और आप कहते हैं कि सारे प्राणी बराबर सुखी, तो हम आपके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगले जन्म में आपको गधा, सुअर, घोड़ा, हाथी, बंदर इनमें से कुछ बनाना चाहते हैं। अब आप बोलो, आपका उत्तर हाँ है या ना है? गधा, सुअर, घोड़ा, हाथी, बंदर बनोगे? अब क्या उत्तर देगा, हाँ या ना? ना। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि वो समझ रहा है कि नहीं नहीं गधा घोड़ा सुअर बनने में नुकसान, तभी तो ना बोल रहा। तो इससे हमारी बात सिद्ध हो गई कि पशु पक्षी मनुष्य आदि सब बराबर मात्रा में सुखी नहीं है। आज मनुष्य है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी तरह बुद्धि है, आकार है, बोलने की बोली भाषा है, 24 घंटे की स्वतंत्रता है, कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, घूमे, सोए, जो मर्जी करे, इतनी सारी सुख स्वतंत्रता है, तो पशु पक्षी बनने पर यह स्वतंत्रता ये सुख थोड़ा मिलेगा? अब ये नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति इतनी बात को समझता है, जब समझता है तभी कहता है ना ना, मैं पशु पक्षी बनना नहीं चाहता। तो ये विचार गलत है उनका, जो ये कहते हैं पशु पक्षी मनुष्य सब बराबर सुखी है। सुखी तो है, अपनी अपनी योनि में थोड़ा बहुत उनको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों बातें। मनुष्य को सुख अधिक मिलता है, दुख कम मिलता है शारीरिक स्तर पर। हाँ, यहाँ भी ध्यान रखना, शारीरिक स्तर पर सुख अधिक है, मानसिक स्तर पर तो दुख अधिक मनुष्य में, और बाकी पशु पक्षी में तो सारा ही दुख ज़्यादा है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वहाँ दुख ज़्यादा है और सुख कम है। इसलिए व्यक्ति पशु पक्षी बनना नहीं चाहता, मनुष्य बनने में उसको लाभ दिख रहा है। फिर भी जो भी योनि हो, उस योनि में भी उस आत्मा को कुछ ना कुछ सुख तो है ही। वो जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, उसी के कारण वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है कि चलो भाई जितना थोड़ा बहुत तो सुख मिल रहा है, सो भी जाते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, कुछ घूम भी लेते हैं, कुछ संतान उत्पत्ति भी कर लेते हैं, सब तरह का सुख थोड़ा 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 मिलता रहता है। इसलिए सब प्राणियों में ईश्वर ने ये सुख की व्यवस्था कर रखी है, ताकि वो आत्मा उस शरीर में जी सके। अगर थोड़ा भी सुख नहीं देगा तो बेचारा दुखी होकर मर जाएगा। पर ये अच्छी बात है, भगवान ने उनको पशु पक्षियों को ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो सुसाइड कभी नहीं करते। आपने किसी घोड़े को, कुत्ते को, गधे को, किसी बिल्ली को आज तक सुसाइड करते देखा? कभी नहीं देखा। ये भगवान ने उनको अच्छी बुद्धि दे रखी है कि सुसाइड मत करना, अपना पूरा कर्म फल भोगना, और वो भोगते हैं। रोगी हो जाए, परेशान हो जाए, बैठ जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, विश्राम कर लेंगे, पर सुसाइड नहीं करेंगे। कितनी भी परिस्थिति हो, खतरा हो, हमला हो, भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे, पर सुसाइड कभी नहीं करेंगे। पर इंसान की ऐसी बुद्धि खराब है, उसको इतनी सारी बुद्धि है, इतने सारे साधन हैं, इतने बताने वाले लोग हैं, सहयोग करने वाले, फिर भी वो सुसाइड करता, तो ये गड़बड़। मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत थोड़ी बुद्धि वाले पशु पक्षी भी कभी भी आत्महत्या नहीं कर रहे, तो मनुष्य को इतना तो सीखना चाहिए उससे, प्राणियों से, कि मैं भी आत्महत्या तो ना करूँ। कोई मेरी समस्या है तो बताऊँ, मैं लोगों को बताऊँ, माता पिता को बताओ, मित्रों को बताओ, साथियों को बताओ, गुरुजनों को बताओ,
सरकार को बताओ, पुलिस को बताओ, किसी को तो बताओ, कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत खराब काम है। तो बात चल रही थी जगत आनंदक, ईश्वर जगत को आनंद देने वाला है, तो सब प्राणियों को उसने थोड़ा थोड़ा सुख दे रखा है। बाकी जो जितनी बुद्धि योग्यता से काम करता है मनुष्यों में, उसको उतना उतना अधिक आनंद देता है, बार बार देता है। और सारा जीवन जो अच्छे अच्छे काम करता है, ईश्वर उसको लगातार आनंद देता ही रहता है। और जितने अच्छे काम करता है, उससे फिर उसको अगला जन्म और अच्छा देता है, ताकि उसको और अधिक अच्छा आनंद मिले। और जो गड़बड़ करता है, उसको दंड देता है। अब जब व्यक्ति गड़बड़ करता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। कई बार पता भी चलता है, पर कई बार समझ नहीं आती, क्योंकि ज्ञान का स्तर इतना नहीं, उसको लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ। और कई उसको बहकाने वाले भी मिल जाते हैं, उसको गलत रास्ते पर डाल देते हैं, गलत प्रेरणा दे देंगे, या उसकी बुद्धि कम है तो वो गलत निर्णय ले लेगा, और वो गलत डिसीजन लेके गलत काम करेगा, फिर बाद में वो पछताता है। तो जब ऐसी स्थिति हो, अपनी योग्यता कम हो, अपना ज्ञान कम हो, तो अपने से बड़ों के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, बड़े गुरुजनों का, विद्वानों का सहाय लेना चाहिए, उनकी सहायता से समझ करके चलना चाहिए कि ठीक काम कौन सा है, तो मैं वो काम करूँ जिससे मेरी उन्नति हो, मेरा सुख बढ़े। तो इस प्रकार से ईश्वर ने सबको यथायोग्य गुण कर्म के हिसाब से आनंद दिया है। तो सब जगत को आनंद देने वाला है, इसलिए उसको जगत आनंदक इस नाम से कहते हैं। आगे गुण है परमेश्वर, तो ये भी प्रसिद्ध नाम है ईश्वर का। परम ईश्वर, सबसे बड़ा मालिक, ईश्वर का अर्थ मालिक है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली। तो ऐश्वर्य का अर्थ है बड़े अच्छे अच्छे गुण, और ऐश्वर्य का दूसरा भाव है ये संसार की संपत्ति। ऐश्वर्य शब्द में दो बातें सम्मिलित हैं, एक तो अच्छे अच्छे गुण जो ईश्वर में है, ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्यम्, जो ईश्वर है उसका जो भाव है, अर्थात जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वही ऐश्वर्य है। तो इस अभिप्राय से जो ईश्वर के अच्छे अच्छे गुण हैं, ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, पक्षपात रहितता है, आदि आदि इस प्रकार के जो गुण हैं, वो सब ऐश्वर्य कहलाता है। और ये संसार जगत, ये ईश्वर की संपत्ति है, वो इसका मालिक है। तो इस प्रकार से ये संपत्ति को भी ऐश्वर्य कहते हैं। अब मनुष्य लोग भी ईश्वर के कुछ गुणों को धारण करते हैं, क्योंकि उनको सुख चाहिए। अब सुख मिलता है ईश्वरीय गुणों से, ईश्वर के गुणों से विरुद्ध आचरण यदि करेंगे तो फिर उससे सुख नहीं मिलेगा, फिर उससे दुख मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं मनुष्य लोग, ताकि हमें सुख मिले। पर जो ईमानदारी से चलते हैं, उनको जल्दी सुख मिलता है, और जो ईमानदारी से नहीं चलते, दिखावा करते हैं और काम कुछ ठीक से करते हैं नहीं, ऊपर लोगों को दिखाते हैं हम बहुत ठीक चल रहे हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि नीचे नीचे गड़बड़ करते हैं, तो फिर ईश्वर उनको सुख नहीं देता। ईश्वर तो उनको पहचानता है कौन क्या कर रहा है। तो ईश्वरीय गुणों को मनुष्य लोग इसीलिए धारण करते हैं कि उनको आनंद मिले, ज्ञान मिले, बल मिले, उत्साह मिले, उनकी उन्नति हो। और साथ साथ कुछ संपत्ति भी चाहिए जीवन जीने के लिए, कुछ खर्चा पानी भी चाहिए। तो ईश्वरीय संपत्ति को भी हमें धारण करना चाहिए अपने योग्यता के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य शब्द के अंतर्गत ये दोनों बातें हैं, ईश्वर के गुण और ये ईश्वर की संपत्ति भौतिक पदार्थ। तो परमात्मा जो है वो इन दोनों का स्वामी है, इस जगत का भी मालिक है और अपने गुणों का भी मालिक है। और सबसे ऊंचा मालिक है, सबसे उत्तम गुणवान है, इस कारण से उसको परमेश्वर इस नाम से कहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे गुण आज के इस पाठ में बताए गए, इन गुणों पर चिंतन करें, मनन करें, इन गुणों को धारण करने का प्रयत्न